नमस्कार दोस्तों, तो आज हम देखते हैं इसका रिव्यू। ये है मेबलिन न्यूयॉर्क सुपर स्टे मैट इंक। 650 रुपये इसका प्राइस है और 5 ml इसके अंदर प्रोडक्ट है। ये मैंने नायका से ख़रीदा था, ये दोनों मैंने पर्पल से ख़रीदा था। तो स्टिकी है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। स्टिकी ऐसे करने पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कलर इसका अच्छा है, ये रेड, लेकिन ये दोनों कलर इनके शेड दूसरे दिखाए गए हैं जो उसमें हमने चूज़ किए थे, लेकिन असल में दूसरे शेड हैं। ये मतलब नंबर वही हैं पर देखने में अलग हैं। तो लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन यदि आप ऑयली फूड खाओगे तो अंदर की तरफ से आपका उतर ही जाएगी, ये बाहर की साइड वाली रह जाएगी, तो अजीब लगती है थोड़ी। इससे अच्छा आप दूसरी ले लें और रिप्लाई कर लें, उसमें क्या दिक्कत है। क्योंकि रिप्लाई तो आपको ये भी करनी पड़ेगी, यदि आपने ऑयली फूड या हॉट जैसे कॉफ़ी या चाय पी लिया तो अंदर की तरफ से हट जाएगी। अंदर की तरफ से हटी तो यानी कि आपको दोबारा लगानी ही पड़ेगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस वक्त मैंने लगा रखी है मेबलिन की रेड है शेड। 220 ambitious है ये शेड। मैं आपको नेचुरल लाइट में भी दिखाऊंगी। ये है इसका शेड। शेड तो बहुत अच्छा है, रेड एकदम सुर्ख लाल है, बहुत प्यारा शेड है ये। 220 ambitious। तो सेकंड है ये 125 inspire। यस, तो इसका ये शेड ऐसा है और ये ऐसा है, और आपको ये दिखाया गया होगा यहाँ पर, मैं आपको दे दूंगी इस तरह का शेड है ये। मेरे लिप्स पर तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा जाता है ये। थर्ड है ये 157th। यस, सावंत है ये। तो इसका शेड ये ऐसा है और लगाने पर ये ऐसा है, और आपको ये जब आपने चूज किया होगा ये शेड तो इसका मैं यहाँ पर दे दूंगी, वो ऐसा है। अब मैं ये तीनों शेड आपको नेचुरल लाइट में दिखा कर आती हूँ। तो आज हम बात करेंगे लोरियल रोज सिग्नेचर लोरियल की। इसके तीन शेड हैं मेरे पास, 137 रेड, 119 ड्रीम और 105 रूल। 650 रुपए की केक है ये और 7 ml इसका इसके अंदर प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है, एकदम वाटरी टेक्सचर है, लेकिन कलर मुझे इसके ये वाला कलर तो मुझे अच्छा लगा है। ये है 105 रूल। टिकते नहीं है ज़्यादा देर, 1 घंटा भी कम से कम आपके होठों पे टिकेगा। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये है ये शेड। कलर बहुत अच्छा है, न्यूड है ये, मुझे काफ़ी पसंद है। वैसे मैं न्यूड कलर लगाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। हाँ, तो मैं आपको एक बार और बता दूँ, इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा है, वाटरी है, बिल्कुल आपके होठों पर पता नहीं चलेगा कि कुछ आपने लगा रखा है। बहुत अच्छी है लगने पर, लेकिन इसका कलर ये वाला कलर देखिए, मतलब उतर जाती है बहुत जल्दी, 1 घंटा भी नहीं लगी रहती, मतलब बिना खाए पे ही उतर जाती हैं। आप सोच रहे हो मतलब क्यों बोलने जा रही हूँ, मुझे आदत है। यह 137 रेड। देखिए है रेड, लेकिन ये लिप्स पर बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, लगते हैं हमने रेड लगाई है या क्या लगा दिया, कलर नहीं अच्छा है लगने पर। थर्ड है ये आई ड्रीम 119, ऑरेंज शेड है ये, और ये तो दूसरी है, ये है इसका ऑरेंज शेड। इनको मैं अभी आपको नेचुरल लाइट में दिखाऊंगी। कलर मुझे दोनों अच्छे नहीं लगे, ना ऑरेंज और ना रेड, लिप्स पर लगने के बाद। मैं आपको लिप्स पे भी लगा कर दिखाऊंगी, बिल्कुल नहीं अच्छे लगे हैं। लेकिन वो आई रूल वो काफ़ी अच्छा है, न्यूड है, बड़ा प्यारा कलर है। सिर्फ 1 घंटे कम से कम ये होठों पर रहती है, बिना कुछ खाए पिए ही उतर जाती है, आपको रिप्लाई 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 करनी पड़ेगी। लेकिन टेक्सचर इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो मैं आपको नेचुरल लाइट में दिखा देती हूँ और फिर इसको अपने लिप्स पर लगा कर दिखा देती हूँ। मतलब ये तो अभी मैंने मेबलिन की लगा रखी है, तो चलिए अब नेचुरल लाइट में देखते हैं।
आज हम स्विस ब्यूटी का एक प्रोडक्ट किंग का रिव्यू करते हैं। मुझे अपने फेस पर ना तो एक कंसीलर, जो उसका काफ़ी मैंने तारीफ सुनी थी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, स्विस ब्यूटी का कंसीलर स्विस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ना ही मुझे इसका फाउंडेशन पसंद आया स्विस ब्यूटी का। और इसका प्राइस है, स्विस ब्यूटी के फाउंडेशन का प्राइस है 279 इसका प्राइस है। मुझको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा ये, मैं आपको दिखा देती हूँ देखने में कैसा है। पैसे वेस्ट है मेरे, मतलब मुझे अपनी स्किन पर नहीं अच्छा लगा। बाकी जरूरी नहीं कि मुझे यदि अच्छा नहीं लगा, सूट नहीं करा तो आपको भी नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। सबकी स्किन अलग होती है, सबका जिस एनवायरमेंट में रहता है उसका भी बहुत फर्क पड़ता है, स्किन का फर्क पड़ता है, सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। तो मुझे सूट नहीं करा, ना ही इसका कंसीलर, ना ही इसका फाउंडेशन। इसका कंसीलर मैंने आधे से ज़्यादा ये यूज़ कर लिया है स्विस ब्यूटी का। और इसका प्राइस है, कंसीलर का प्राइस है 229, 5.6 ग्राम का है। ना मुझे ये अच्छा लगा, स्विस ब्यूटी के दोनों प्रोडक्ट मुझे नहीं अच्छे लगे।